बहुत वजन है आपकी बात पे, और इस पे सोचना चाहिए कि व्हेन यू आप जो कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं वो पूरा तो उन्होंने, नो इन अंग्रेजी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी, मैं अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू गिव देम एन इंच दे टेक अ माइल, आई वाज रेफरिंग टू दैट. नाउ 184, 186, 199, आई हियर यू. अब उन्होंने अपना तोबा, जो मीम्स बनेंगे हर माह. सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) का जो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सर ये हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है. सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ 1973 में ये सिर्फ छोटा सा दिया गया था कि अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू हो, फंडामेंटल राइट्स का हो, तो आप भी वही ऑर्डर कर सकते हैं जो हाई कोर्ट सकती है, सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन. एक विंडो दिया गया, लेकिन उन्होंने दरवाजा भी तोड़ दिया, दीवारें भी तोड़ दी. तो इस मिसयूज जो हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है आर्टिकल 184(3) का, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसको कैसे रोकेगी, ये ज्यूरिसडिक्शन उसको दी जा रही है सर, ये मेरा क्वेश्चन. थैंक यू. आपका बहुत वजन है आपकी बात पे, और इस पे सोचना चाहिए कि व्हेन यू आप जो कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं वो पूरा तो उन्होंने, नो इन अंग्रेजी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी, मैं अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू गिव देम एन इंच दे टेक अ माइल, आई वाज रेफरिंग टू दैट. नाउ 184, 186, 199, आई हियर यू. अब उन्होंने अपना तोबा, जो मीम्स बनेंगे हर माह. वन एटी सिक्स, 184 आईनी अदालत के पास हो, 199 आपका हाई कोर्ट के पास है, उनका इख्तियार है, उस पे बहस हो. एक आर्ग्यूमेंट है, एक प्रपोजल है बाकायदा पीपल्स पार्टी का, जो कि इस पे कंसेंसस नहीं बना, कि जैसे हम वफाकी आईनी अदालत बना रहे हैं, तो क्यों नहीं सूबे में भी आईनी अदालत बनाया जाए, ताकि एक कोर्ट हो 199 का और एक कोर्ट हो आम केसेस का. और अगर 50% केसेस 199 के मुताबिक है, तो बाकी केसेस को भी इस तरीके से. मगर ये काम अगर होता भी है, हम चाहेंगे कि सारे हाई कोर्ट बार्स और सारे हाई कोर्ट्स को ऑन बोर्ड करके ये काम करें, मैं समझता हूँ जरूरी है, बट अभी तक उस पर ऊपर कंसेंसस नहीं बना. एक पॉइंट जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, आई नीड टू गो बैक टू दैट. यहाँ कहा गया कि नया कोर्ट्स में जो है ये पावर वापस सियासतदान के पास जा रहे हैं, जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स करने का, और ये जुडिशरी का आजादी कैसा होगा. मैं अब रिपीट करना चाह रहा हूं कि दुनिया भर में आपके ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां सियासतदान, चाहे वो लेजिस्लेटर में हो या वो जिस भी शक्ल में, ये फैसले करते हैं. और आपके मुल्क में भी आपको पता है कि ये काम कब सियासतदानों से, कब वज़राए आज़म से लेके चीफ जस्टिस की जेब में डाला गया. क्या वो किसी आमिर का दौर में था? नहीं, आमिर को इजाजत बनाए जज सो बिस्मिल्ला. क्या ये इख्तियार लिया गया किसी आमिर की प्रॉक्सी हुकूमत के थ्रू? नहीं, उनको भी सो बिस्मिल्ला, बनाए जज, बनाए जज. जब बेचारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आखिरकार मौका मिली 93 से 96 की हुकूमत का, फिर जजेस के इसका फैसला आया, और ये जो इख्तियार था वो वजीर आजम का नहीं, वहां हमारा अदालत का. तो जहां तक मैं समझता हूं, ये फैसला अवाम का फैसला होना चाहिए, और अवाम का फैसला अपने पार्लियामेंटेरियंस के थ्रू एक्सरसाइज करना चाहिए, किसी जुडिशियल कमेटी के थ्रू और पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू एक्सरसाइज होना चाहिए. या अगर हम चाहे कि हम रियल 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पे वापस जाए, 1996 से पहले जाए, तो क्या हर्ज है कि अगर मुस्लिम लीग नवाज ये प्रपोजल दे कि एग्जीक्यूटिव की मर्जी. मैं समझता हूं कि आईन जमहूरियत
और आपकी अपनी प्रेसिडेंट के मुताबिक ये सारी चीजें मौजूद हैं। एक चीज हमें 100% मालूम है, नजर आ रहा है, कब से काम नहीं कर रहा कि ये जजेस बाय द जजेस और ऑफ द जजेस तो नहीं चलेगा। मैं आपकी तरह मानता हूं कि चाहे चले एक तो जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है, वी शुड गो बैक टू व्हाट वी सॉर्ट ऑफ प्रपोज द 18th अमेंडमेंट विद द जजेस कमिटी एंड द पार्लियामेंट्री कमिटी मर्जिंग एंड मेकिंग डिसीजंस अमंगस्ट देमसेल्व्स। आई थिंक along with the Chief Justice of Pakistan, other members of that committee, be it members of the bar, be it members of the opposition in parliament, be it members of the governing benches, they too should be able to propose the names of judges. And then whatever consensus they reach or whatever decision they reach, so bismillah. So, wo hai hamara proposal. Magar ye baat kehna ki judiciary ka independence kahan jayega, jab parliament ye faisla karega, जब आपके मुंतखिब नुमाइंदे ये फैसले करेंगे, जब अवाम ये फैसला करेगा, उस पे आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री। नाउ आई हैव बीन टोल्ड दैट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, और आई वुड लव टू हैव मोर देन वन एंड इफ चेयरमैन हैज द टाइम, लेकिन एक सवाल मेरा ख्याल है सर, लेडीज का होना चाहिए। Chairman Bilawal Bhutto Zardari sahab himself said that one question should be from ladies and then one question from Ghulam Asghar Pathan, so I would request for an additional question. Okay, aakhri do kar li jaldi jaldi fir main aur bhi kaam hai aaj. Sir K Electric ne sir poore Karachi ko sir pareshan karke rakha hua hai, tabah karke rakha hua hai sir, iska kya hal hai sir? Hum aapke paas sir jabke is sawal ka jawab bhi yahi hona chahiye ki जुडिशियल रिफॉर्म और आईनी अदालत। हमारा जहां तक के इलेक्ट्रिक का निजाम है, हम सब जिस शहर कराची में रहते हैं और वो मसले भुगतते हैं, मैं समझता हूं कि काफी देर बाद एक मौका अब नजर आ रहा है और मैं हुकूमत सिंध से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने ये के इलेक्ट्रिक की जो मोनोपोली है ये तुड़वाना है, सिंध पीपल्स बिजली कंपनी बनाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करो और कराची के अवाम को बिजली फरहम करो और फिर आप फ्री मार्केट का जरा कंपटीशन करें इसके इलेक्ट्रिक को, जिसको आपने मोनोपोली दिलवाया है हमारा कराची में, और ना उनका एनीवे आई डोंट वांट टू गेट इनटू टू मच ऑफ व्हाट्स रॉन्ग। मसला है हल मैंने बताया।